तैयार कर दिए तुमने क्या क्या नहीं तो पेमेंट भी ले गया तो बिना पेमेंट के कौन डांस करता है बिना पेमेंट के कौन डांस करता है क्या ये तो डायलॉग बोल दिया तुमने बिना पेमेंट के कुछ नहीं होता बिना पेमेंट के कुछ नहीं होता बनाती भी ऐसे निकालने एंटिक पीस और क्या अलग अलग टाइप के बनाती एक से एक बनाती कोई नारे ने कोई सपेरा है सपेरा बनाती है और क्या अच्छा कोई बेला है कोई कहता है डगुआ दारू पी के डांस करने भी आता है अच्छा दरुआ बराती भी नहीं अरे यार दरुआ बराती तो बेकार रहते हैं अरे उनके दरुआ तो मजे नहीं आता अच्छा जनरेटर पे भी डांस कर लेते हैं ये बंद तो जनरेटर के बाद भी मैं चला दूँ जनरेटर की आवाज में भी डांस कर लेते हैं क्या ये अब बहुत सारे मेहमान आए यार आज तो ये भी आए कौन है आपके आए दूर के रिश्तेदार हैं और क्या अच्छा तो क्या नहीं तो कौन लगते हैं तुम्हारे जो बड़े वाले पूपा अच्छा आप बड़े पूपा हैं उनके थोड़े थोड़े हैं कितने बड़े हो गए तो ये बड़े वाले पूपा हैं रूट गए थे शादी में दे डब गए थे लेकिन उनको नेता ने नहीं बुलाया था हमने अच्छा और क्या जो भूल गए थे इनको यार मिलने इनके गुस्सा हो गए बैठ रहे हैं गुस्सा हो गए बैठे मना लो भूपा को नहीं तो मना लिया मना लिया तो मन गए भूपा को एक किलो काजू कतली का डब्बा दिया था काजू कतली का डब्बा दिया था और क्या वो तो हजार डेढ़ हजार का आया होगा यार हजार रुपए किलो और क्या कभी ऐसी वैसी नहीं तो अच्छी वाली और काजू की थोड़े घुन लगा था उसमें घुन लगाता यार घुन वाली चीज खिलाते हो अरे अच्छे से देखो घुन नहीं लगाता मैं अच्छी थी वो अरे बोल रहे घुन लगा दे 3-4 महीने पुरानी थी अब कहता खाते गए अरे बोल डेयरी चांदने चलना होता ना उसमें छान के खाए थे उसमें छान के खाई थी कीड़े निकले थे उसमें जो भाई मतलब काजू कटने खाने कितनी जल्दी थी छान के खाए तो पुपा जी क्या सुना रहे हैं आज पुपा जी कुछ आता नहीं है कुछ नहीं आता उनको पुपा जी को बस क्या आता है ताली बजा लेते हैं और वो आ गए वो कौन है तुम्हारे है? ये अंकल अंकल ये ताऊ है तुम्हारे ताऊ है कौन से वाले कहाँ रहते हैं ताऊ ये बोड़ापुर अंकल आप बोड़ापुर से आएंगे नहीं दुल्लपुर रहता हूँ दुल्लपुर रहते हैं आप दुल्लपुर रहते हैं कहीं तो अलग पूरे जरूर है बोड़ापुर दुल्लपुर पूर है ना अच्छा बस आगे पीछे हो जाता है आगे पीछे हो जाता है पर दिल पर एक ही बात है एक ही बात है हाँ तो अंकल को सुनाना चाहेंगे भजन वगैरह तो जो सच में ही आपका भतीजा है क्या सच में भतीजा है क्या आपका जबरदस्ती कौन बोलता है तुमने अगर तुम भतीजे होते तो तुमको गोदी में ले लेते हो यार तुम भतीजे होते तो गोदी में ले लेते हो किसी बात पे गोदी होता है अरे आगे नहीं ओ अब मैं पहचान गया एक जैसे चश्मा केवे है एक जैसे लग रहे हैं भाई इनकी लगे कमजोर हो गई है भाई केवे तो ये चश्मा के ऑटोमेटिक वाला है क्या ये ऑटोमेटिक है धूप में काला और रात में सफेद अच्छा हां ये तुझे बहुत सुनना है यार ये नहीं मैं तो शोरूम में काम करता हूं मैं तो यार अरे कौन से शोरूम में काम करते हो मेरा सामने गोदरेज का तैयार मैयार होकर आए ठंड नहीं लग रही है स्टील बॉडी है स्टील बॉडी है यार पहना हूँ मैं गर्म वाली यार एक से क्या होता है डायरेक्ट कपड़े लगे दादा फिर भी ठंड लग रही है ठंड लग रही है।